हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। वी विल कंटिन्यू आवर लेक्चर ऑन द सेम चैप्टर, दैट इज एंगल एंड इट्स मेजरमेंट, एंड वी विल बी डूइंग वेरी गुड सम्स ऑन दिस चैप्टर। ओके, फाइन। सो आई फर्स्ट राइट द फर्स्ट क्वेश्चन टुडे एंड देन वी विल सॉल्व इट अकॉर्डिंगली। ओके, सो आई होप एवरीवन हैज़ रिवाइज्ड द प्रीवियस लेक्चर्स which were the basics of angle and its measurement, that is what is radian, what is degree. So today we will be continuing further and we will be doing good sums on that which can come in your exams. Okay, fine. So the first question for today I will be writing over here. So question number one that we'll be doing today, which is फर्स्ट आई राइट द क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ अभी, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। फाइन, ओके। सो द क्वेश्चन इज दैट द सम ऑफ टू एंगल्स इज फाइव पाई रेडियन। द सम ऑफ टू एंगल्स इज फाइव पाई रेडियन, दिस इज गिवन, एंड देयर डिफरेंस इज 60 degree। वॉट इज द क्वेश्चन? द क्वेश्चन सेज दैट सम ऑफ टू एंगल्स इज फाइव पाई रेडियन, दिस इज अ सिंबल ऑफ रेडियन, राइट, एंड देयर डिफरेंस इज 60 degree। तो क्या बोला उन्होंने? सम ऑफ टू एंगल्स इज 5π एंड देयर डिफरेंस इज 60 degree। ओके, सो अब क्या निकालना है? वॉट वी हैव टू फाइंड, फाइंड एंगल्स इन डिग्रीज, फाइंड द एंगल्स इन डिग्रीज। सो वॉट वी हैव टू फाइंड, हमें क्या निकालना है? बहुत सिंपल चीज़ निकालना है, हमको एंगल्स निकालने हैं, बट किस में? इन डिग्रीज, डिग्रीज में एंगल निकालना है। ओके, वी हैव टू फाइंड द एंगल्स इन डिग्रीज, दैट इज़ द थिंग वी हैव टू डू। ठीक है, हम लोग को क्या निकालना है? एंगल्स निकालना है इन डिग्रीज। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे एंगल नहीं लिखा है, एंगल्स लिखा है। क्या लिखा है? एंगल्स मतलब दोनों एंगल निकालना है, टू एंगल, राइट, यहाँ पे लिखा है ना, टू एंगल्स, वो दोनों निकालना है, क्योंकि यहाँ पे एंगल्स लिखा है। सो हमको समझना चाहिए, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट दोनों एंगल निकालना है। अब देखना है कैसे करेंगे, बहुत ईजी सम है ये, बहुत ईजी सम है, वेरी सिंपल सम। ओके, सो हाउ टू डू दिस, फर्स्ट आई विल शो यू। पहली बात ध्यान से देखो, हमें दोनों एंगल निकालने हैं, वी हैव टू फाइंड एंगल्स, राइट, इन डिग्रीज। नोट दिस, हमको एंगल तो निकालना है बट डिग्री में निकालना है। उसके लिए हमारे पास जो चीज़ें होनी चाहिए वो भी डिग्री में होनी चाहिए। तो अगर आप लोग देखोगे, यहाँ पे बोला है डिफरेंस इज 60 degree। क्या बोला है? डिफरेंस इज 60 degree। ओके, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, ये तो डिग्री में है, ऑलरेडी डिग्री में है, और मुझे निकालना भी डिग्री में है ना। बट एक छोटा सा प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ये है कि ये जो टू एंगल्स का सम डिफरेंस कितना दिया है? 60 degree। डिफरेंस मतलब होता है माइनस, राइट, डिफरेंस मतलब सप्रैक्शन या माइनस। कितना दिया है? 60 degree, डिग्री में है, चाहिए और डिग्री में भी दिया हुआ। बट ये जो सम ऑफ टू एंगल्स है ना, सम वो कितना दिया है? 5π radian में दिया है। तो बेसिकली ये नहीं चलेगा, हमें क्या करना पड़ेगा? ये 5π को फर्स्ट ऑफ ऑल डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद एक मिनट का आंसर है, बहुत ईजी सम है, समझ में आ रहा है? ये सम इजी भी है और एग्ज़ाम में भी आता है, 2 marks के लिए हमारे स्टेट बोर्ड में आ सकता है। ओके, एंट्रेंस में इससे थोड़े हाई लेवल के सम आते हैं, वो भी मैं लेने वाला हूँ। ठीक है, ये थोड़ा बेसिक था बट ये भी एग्ज़ाम में आ सकता है। सो व्हाट इज़ द मॉरल ऑफ द स्टोरी, हमें करना क्या है? हमें क्या करना है, ये जो 5π है ना, 5π, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये भी डिग्री में है, इसको भी डिग्री बना देंगे और हमको जो चाहिए वो भी डिग्री में है। सो एवरीथिंग शुड बी इन डिग्री। सो व्हाट आई विल डू, वेरी सिंपल, मैं क्या करूँगा, इसको रेडियन से डिग्री में बनाऊँगा। अब कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। तो बेसिकली इसको क्या करूँगा, 5π जो है ना, ये रफ वर्क कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, रफ वर्क। ओके, आई एम डूइंग स्लाइट रफ वर्क ओवर हियर, सो आई शो यू हियर। सो 5π है ना, उसको हम लोग क्या करने वाले हैं, डिग्री में बनाएंगे। और मैंने कितने बार बताया, डिग्री में बनाना मतलब 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करना।
अगर किसी को पता नहीं है कि रेडियन, ये रेडियन था राइट, इससे अगर डिग्री में बनाना है तो हमको 180 बाय पाई करना है। अगर किसी को पता नहीं है तो प्रीवियस 2-3 वीडियोस है, यू कैन वॉच, तुम लोग को आराम से समझ में आ जाएगा। याद रखना रेडियन से डिग्री में चाहिए ना, तो 180 बाय पाई करना पड़ता है। इससे होगा क्या, पाई पाई गेट्स कैंसिल एंड 5 इंटू 180 अगर सॉल्व करोगे तो सबको पता है राइट 90 डिग्री होता है। अगर सॉल्व करोगे 5 इंटू 180 द आंसर विल बी 90। और क्योंकि मैंने 180 बाय 5 से मल्टीप्लाई किया है तो मेरा आंसर ऑटोमेटिकली डिग्री में आएगा, ये रूल होता है, ये तो मेथड है। तो फाइनली 5 पाई रेडियन से मुझे 90 डिग्री मिल गया, दोनों इक्वल है इतना मालूम पड़ेगा। ओके कॉन्ग्रेट्स, अब मुझे डिग्री में मिल गया। अब क्या करेंगे, मैं इसको यहाँ पे लिख दूंगा और इसको हटा के 90 डिग्री कर दूंगा। क्या कर दिया मैंने, बेसिकली कुछ किया नहीं, 5 पाई को कैंसिल करके 90 लिख दिया, ये रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट कर दिया। ओके एग्ज़ाम में आप लोग को कैंसिल नहीं करना है, मैं करके दिखा रहा हूँ, एग्ज़ाम में कैंसिल करने का ज़रूरत नहीं है। फाइन, अब ध्यान से देखेंगे, अब हम कंटिन्यू करेंगे। ध्यान से देखो, टू एंगल्स बोला है। अब तुमको पता है क्या टू एंगल्स कौन से, मुझे तो नहीं पता। तो जो चीज़ पता नहीं होती है उसको एक्स और वाई लेते हैं राइट, ये यूनिवर्सल रूल है कि जो चीज़ पता नहीं है उसको एक्स ले लो, जो चीज़ पता नहीं है उसको एक्स ले लो। सिमिलरली यहाँ पे दो एंगल है, मुझे दोनों नहीं पता, तो पहले को एक्स लेंगे, सेकंड वाले को वाई लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख के दिखाता हूँ, आंसर लिख दूंगा, लेट फर्स्ट एंगल इक्वल टू एक्स, या फर्स्ट एंगल बी एक्स, लेट फर्स्ट एंगल बी एक्स और फर्स्ट एंगल इक्वल टू एक्स। एंड लिख दूंगा तो सेकेंड एंगल है ना, सेकेंड एंगल इक्वल टू वाई। याद रखना, कोई चीज़ अगर पता नहीं होती है उसको एक्स लेते हैं, और अगर दो चीज़ें नहीं पता होती हैं उसको वाई लेते हैं। ठीक है, दैट इज़ द वे हाउ इट वर्क्स। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, नाउ वी विल प्रोसीड फर्दर। सम ऑफ टू एंगल्स, सम मतलब एडिशन, सम करना है एडिशन किसका, टू एंगल्स का, दोनों का, मतलब एक्स का और वाई का। तो अगर सम करूँगा दोनों का, इज़, याद रखना हमेशा इज़ मतलब इक्वल टू होता है, ये बात रिमेंबर दिस थिंग वेरी केयरफुली, दैट वेन एवर यू सी इज़ इट इज़ इक्विवेलेंट टू इक्वल। इज़ मतलब इंग्लिश स्टेटमेंट में इज़ लिखते हैं, और जब मैथमेटिकली इक्वल टू हो जाता है। सो इज़ कितना था, 5 पाई था, बट मैं 5 पाई नहीं लिखूँगा, क्यों, मुझे सब कुछ डिग्री में चाहिए। फाइंड क्या करना है, डिग्री में, तो रेडियन में लेके क्या करूँगा राइट। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा 90 डिग्री, जो अभी मैंने सॉल्व किया राइट। देयरफॉर नेम दिस इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे। ओके अब आगे देखते हैं क्या क्या दिया। देयर डिफरेंस इज 60 डिग्री, देयर मतलब उन दोनों का, देयर मतलब दोनों एंगल्स का डिफरेंस कितना है, इज 60 डिग्री, दोनों का डिफरेंस है 60 डिग्री राइट। तो मैं क्या करूँगा, डिफरेंस देयर डिफरेंस, डिफरेंस मतलब नेगेटिव, डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन, किसका, देयर मतलब उन दोनों का, किसका, एक्स और वाई तो है मेरे पास, देयर डिफरेंस इज 60 डिग्री राइट। तो देयर मतलब क्या, एक्स एंड वाई, क्योंकि इनके अलावा कोई है भी नहीं मेरे पास, फर्स्ट एंगल एक्स, सेकंड एंगल वाई, और कुछ है हमारे पास नहीं है। तो इन दोनों का डिफरेंस मतलब सेपरेक्शन, ऊपर सम था नीचे डिफरेंस, कितना दिया है, इक्वल टू हाउ मच इक्वल टू 60 डिग्री। यू कैन हैव अ लुक, यहाँ पे क्या दिया, इक्वल टू 60 डिग्री राइट। सो फाइनली इसको मैं सॉल्व करके लिख दूंगा, इज 60 डिग्री। एंड इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2, क्या कर दिया मैंने, इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। आई होप सब लोगों को समझ में आ रहा है, आई होप एवरीवन इज गेटिंग इट। सो बेसिकली व्हाट आई एम डूइंग, वेरी सिंपल वर्क, दैट इज एडिशन इज 90 डिग्री। कहाँ से मिला, दोनों बेसिकली ये दोनों इक्वेशन मैंने यहाँ से निकाले राइट। तो सम ऑफ टू एंगल्स कितना था, इज 5 पाई था, मेरे को रेडियन में नहीं चाहिए, डिग्री में चाहिए, तो मैंने कन्वर्ट करके दिखा दिया, रफ वर्क यहाँ पे 90 आ गया। तो देखो सम ऑफ टू एंगल्स मतलब, सम मतलब एडिशन, किसका, दो एंगल का, कितना है, 90 डिग्री। डन, फर्स्ट इक्वेशन डन। सेकंड आगे देखते हैं, एंड देयर डिफरेंस इज 60 डिग्री, मतलब उन दोनों का डिफरेंस 60 आना चाहिए। डिफरेंस मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, देयर मतलब उन दोनों का कितना आना चाहिए, इज 60 डिग्री। इसका मतलब मैंने बताया इक्वल टू है, इज 60 डिग्री। कॉन्ग्रेचुलेशंस, दोनों इक्वेशन मिल गए हैं सक्सेसफुली, वी आर वेरी गुड टू डू एंड एवरीथिंग इज़ फाइन, नाउ वी कैन प्रोसीड फर्दर। अगर दोनों इक्वेशन मिल गए तो क्या है, सब कुछ आ गया। अब मन में पूछना है हमको चाहिए क्या, वॉट वी वॉन्ट, मन में पूछना है, खुद को पूछना है। सो हमको क्या चाहिए, फाइंड एंगल्स इन डिग्रीज, हमको बेसिकली चाहिए क्या होता है, एंगल्स इन डिग्री चाहिए। एंगल्स कौन से एंगल, फर्स्ट एंगल एंड सेकेंड एंगल, मतलब एक्स और वाई चाहिए। तो ध्यान में ये बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार स्टेप मार्क कर लो इसको,
सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है क्वेश्चन में क्या चाहिए, किसके लिए हम सम कर रहे हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो क्या चाहिए, फाइंड करना है एंगल्स इन डिग्रीज, राइट। हमको क्या फाइंड करना है, एंगल्स इन डिग्रीज। और एंगल क्या लिए मैंने, फर्स्ट और सेकंड, एक्स और वाई। तो बेसिकली एक्स को निकालो और वाई को निकालो, यू आर डन। हम लोग को एक्स और वाई निकालना है बेसिकली। यहाँ पे नहीं बोला एक्स और वाई निकालना, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट हमको एंगल निकालना है, जो कि पहला एक्स है, दूसरा वाई है, थर्ड तो है ही नहीं, दो ही एंगल है सिर्फ यहाँ पे, टू एंगल्स। अब हम लोग आगे बढ़ते, अब इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। बेसिकली साइमल्टेनियसली सॉल्व मतलब 10th स्टैंडर्ड में होता है सब लोग को, राइट। और तुम सब ने किया होगा, आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में सब ने किया होगा। बेसिकली क्या करते हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशन मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ। साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या होता है, आई टेल यू, लेट यू नो व्हाट इज मेंट बाय साइमल्टेनियस इक्वेशन, वो मैं बताता हूँ क्या होता है। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन बेसिकली क्या होता है पता है क्या, दो इक्वेशंस को सॉल्व करना होता है। हमारे पास कौन से दो इक्वेशंस हैं, पहली x प्लस वाई इक्वल टू 90, सेकंड x माइनस वाई इक्वल टू 60। दोनों को सॉल्व करेंगे, पता है क्या करेंगे, बहुत सिंपल, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, ऐड कर दो। क्या कर दिया, दोनों को ऐड कर दो। याद रखो साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना मतलब x या y दोनों में से एक को कैंसिल करना है। अब तुम लोग को सोचना है कि सर किसको करें, तुम्हारा डाउट बन जाना चाहिए किसको कैंसिल करें। याद रखो ये दोनों कभी कैंसिल नहीं होंगे, बिकॉज हाँ हो सकते हैं बट हम इन दोनों को नहीं करेंगे। वाई बिकॉज इसका साइन प्लस है, इसका भी साइन प्लस है, कुछ नहीं मतलब प्लस होता है, आई होप सबको पता है। सो अगर दोनों का साइन प्लस है तो कैंसिल तो नहीं होगा। और यहाँ पे देखो वाई वाई का, इसका पहले वाले का साइन प्लस है, सेकंड वाले का माइनस है। एक का प्लस है और दूसरे का माइनस हो तो डायरेक्टली कैंसिल हो सकता है, एक प्लस है दूसरा माइनस है, वी कैन कैंसिल देम, राइट। तो बेसिकली ऐड करेंगे तो होगा क्या, प्लस एक्स एंड प्लस एक्स बन जाएगा 2x, ओके। माइनस प्लस वाई कैंसिल हो गया, जीरो आ गया। यही तो मुझे चाहिए, वही चाहिए होता। याद रखना साइमल्टेनियस इक्वेशन मतलब क्या होता है, 10th स्टैंडर्ड में होता है सब लोगों को, राइट। बट स्टिल कोई स्टूडेंट्स को नहीं पता, मैं बता देता हूँ क्या करना है, एक को कैंसिल करना है, एक को कैंसिल करना पड़ता है एंड हम लोग यहाँ पे फाइंड करते हैं। सो x प्लस एक्स 2x हो गया, ये प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो गया, इक्वल टू 960। ऐड कर रहे ना, सबको ऐड करना है, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ये तो कैंसिल हो गया, एक्स एक्स टू एक्स हो गया, 900 प्लस 60 कितना होता है, 960 डिग्री, राइट, ओके। बट ये मुझे 2x का वैल्यू मिला 960 डिग्री, बट आई वांट ओनली x, मुझे x चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, x उधर ही रखूँगा, ये 960 डिग्री था ना, ये जो 2 था ना 2, इसको मैं नीचे ले जाऊँगा, सो इट विल बिकम 2, राइट। यहाँ पे मल्टीप्लाई में हो गया, नीचे डिवाइड में आता है, राइट। सो फाइनली x इक्वल टू कितना आ गया, 960 डिवाइड बाई 2, दैट इज 480 डिग्री। कॉन्ग्रेचुलेशंस, x मिल गया मेरे को, x मिल गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब तुम लोग सोचोगे सर x मिल गया तो हम इतना खुश क्यों हुआ, x मिल गया तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मिला क्या, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मिला। x मिलना मतलब वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वी गॉट, राइट। आई टेल यू हाउ, x हमको मिल गया है ना, तो हम लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मिला, पता कैसे, क्योंकि इधर देख लो, x मतलब क्या है, फर्स्ट एंगल। व्हाट इज x, फर्स्ट एंगल। तो मेरे को अगर x मिल गया तो बेसिकली मुझे फर्स्ट एंगल मिल गया, देयर फोर फर्स्ट एंगल इक्वल टू 480 डिग्री। कॉन्ग्रेचुलेशन, मिल गया, डन, फर्स्ट एंगल क्या मिल गया, 480 डिग्री। आई होप सब लोग को समझ में आ रहा है। अब तुम्हारे मन में एक डाउट होगा, सर हमको तो सिर्फ फर्स्ट एंगल मिल गया, सेकेंड एंगल कैसे निकलेगा। बहुत सिंपल, वेरी सिंपल। फर्स्ट एंगल अगर x है, सेकंड एंगल क्या है, y है। तो बेसिकली वी वांट टू फाइंड y। एक बार y निकाल लो, मिल गया, दोनों मिल गया, आंसर आ गया, सम इज़ ओवर। और एक बात ध्यान से सुनो, कोई कोई लोग जो यहाँ पे स्टूडेंट्स देख रहे हैं, एक चीज़ उनके मन में आ रहा होगा, राइट। कोई कोई स्टूडेंट जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, श्रेयस है, एमिल है, फाइन, प्रप्ति, राइट, फाइन। सो आई कैन सी दैट आप लोग को लग सकता है कि सर आप थोड़ा सा स्लो जा रहे हो, फास्ट, देखो स्पीड थोड़ा एडजस्ट होता है, ठीक है। तो याद रखना एक बात, मैं अभी एकदम यू नो परफेक्ट लेवल पे चल रहा हूँ, स्पीड एकदम अच्छे चल रहा है। और अगर किसी को लग रहा है कि सर स्पीड थोड़ा स्लो है, फास्ट है, फास्ट तो नहीं लगेगा मुझे लगता है किसी को, बट अगर किसी को लग रहा है सर आप थोड़ा स्लो सिखा रहे हो, तो एक बात याद रखना, मुझे ना आप लोग का लेवल पता नहीं है ना, राइट, अभी क्या लेवल है आप लोग का, मैंने आपसे कभी मिला नहीं हूँ मैं। तो याद रखना मैं बहुत फास्ट भी पढ़ा सकता हूँ, मेरे को तो जैसा बोलोगे वैसा पढ़ा सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, फास्ट भी हो सकता है, स्लो भी हो सकता है, तुम्हारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से पढ़ाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट एक बात याद रखना है, मुझे तुम लोग का लेवल पता नहीं, राइट, तो मैं एक मीडियम लेवल का स्पीड लेकर चल रहा हूँ, ओके, फाइन।
और एक बात, अगर किसी को लग रहा है स्लो फास्ट, मेरे हिसाब से स्लो फास्ट पे मत फोकस करो, समझ में कितना आ रहा है वो फोकस करना, ठीक है। मेरा जो भी सम तुम्हारे यहाँ पे आएगा ना, तुम लोग को समझ में आएगा, उतना मेरा गारंटी है, ठीक है। नहीं आया तो चैट बॉक्स में बताना, ठीक है। ध्यान रखना है, फोकस करो समझने पे, लॉजिक पे, कि कुछ रट्टा तो नहीं मारना पड़ रहा ना, वैसा स्टाइल है अपना। मतलब हम लोग कुछ भी बाय हार्ट नहीं करेंगे, सब लॉजिक से पढ़ेंगे, सब देख देख के पढ़ाया, ठीक है। फाइन, सो स्पीड का टेंशन मतलब वो तो फ्लक्चुएट हो जाएगा, थोड़ा टाइम में हो जाएगा, थोड़ा स्पीड में बढ़ाऊँगा, ओके। फॉर नाउ फोकस ऑन द कॉन्टेंट, फोकस ऑन द लॉजिक, फाइन, ओके। सो फर्स्ट एंगल मिल गया 480 डिग्री, बट खुश नहीं होना है बिकॉज फर्स्ट एंगल मिला है, क्योंकि मेरे को क्या चाहिए, फाइंड एंगल्स चाहिए, राइट। डिग्री में चाहिए, डिग्री में तो मिल गया, बट एंगल्स चाहिए मेरे को, तो फर्स्ट एंगल मिला, मतलब सेकंड भी चाहिए। अब तुम बोलोगे सर कैसे निकालेंगे, इधर बता देता हूँ कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना कैसे निकालेंगे, मैं बताता हूँ, ठीक है, मैं दिखाता हूँ कैसे निकालेंगे, फाइन। सो लिसन वेरी केयरफुली, हम लोग कैसे निकालने वाले हैं, ध्यान देना। बेसिकली मेरे को x मिल गया है कितना, 480 डिग्री, सब लोग को मालूम है, राइट। x कितना मिल गया, 480 डिग्री, एंड मैं नेक्स्ट पेज पे नहीं कर रहा हूँ, यहीं पे कर रहा हूँ, बिकॉज मैं चाहता हूँ पूरा सम एक ही पेज पर है, तुमको देखने में इजी होगा। अगर मैं पेज टर्न करूँगा तो तुम्हारा फोकस हट जाएगा, राइट। सो सेकंड क्वेश्चन के लिए मैं पेज टर्न करूँगा, अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, एक ही स्क्रीन पे दिखेगा तुमको, राइट, पूरा सम। x मिल गया 480 डिग्री, मेरे को x मिल गया 480, अब मुझे y चाहिए, कैसे करेंगे मैं बताता हूँ। बोलना है x प्लस y इक्वल टू 900, इक्वेशन वन है ना, x प्लस y इक्वल टू 900, यहाँ पे लिख दो x प्लस y इक्वल टू 900 है, 900 डिग्री, किसने बताया मुझे, फ्रॉम वन, मतलब फ्रॉम वन इक्वेशन जो है मुझे बता रही है x प्लस y 90 है, राइट। मेरे को x मिल चुका है, राइट, x है, मिल गया ना हमको 480 डिग्री, मुझे क्या चाहिए, y चाहिए। सो क्या करूँगा, ये x का वैल्यू इधर पुट कर दूँगा, तो x की जगह क्या लिख दो, 480 डिग्री लिख दिया, ओके, प्लस y एज इट इज़, 900 एज इट इज़, ठीक है। ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ, मुझे y चाहिए। तुम बोलोगे सर y क्यों चाहिए, यहाँ पे बोला है एंगल्स निकालो, पहला एंगल x मिल चुका है, दूसरा भी निकालना पड़ेगा, फाइन। सो व्हाट आई विल डू, y चाहिए इसलिए मैं क्या करूँगा, y को इधर रखूँगा, 900 भी इधर रखूँगा, ये कितना है, कुछ कुछ नहीं, मतलब पॉजिटिव 480, उसको उधर भेज दूंगा, क्या हो जाएगा, माइनस 480 डिग्री, आई होप सबको पता है, प्लस 400 उधर भेज दूंगा, 480 हो जाएगा, माइनस प्लस वहाँ जाके माइनस हो जाता है, फाइनली वाई मिल गया, आंसर आ गया, कांग्रेस। 900 माइनस 480 का वैल्यू मालूम है कितना होता है, 420 डिग्री, कांग्रेचुलेशंस, वाई भी मिल गया, और वाई का नाम है सेकेंड एंगल, देयरफॉर सेकेंड एंगल इज इक्वल टू 480 डिग्री, 420 बिकॉज सेकेंड एंगल मेरा वाई है। आई होप ये सब लोगों को समझ में आ गया। सो मैं क्या करता हूँ, स्क्रीन शॉट लेना है अगर आप लोगों को, ले सकते हैं, मैं यहाँ पे दोनों दिखाता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन था, ओके, एंड ये जो है x मिल गया मेरे को, x मतलब फर्स्ट एंगल मिल गया, बट मुझे दोनों चाहिए इसलिए मुझे y भी चाहिए, तो क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन है ना फ्रॉम वन, फर्स्ट इक्वेशन को बुला लिया, एंड सिमिलरली फर्स्ट इक्वेशन को बुला के मैंने क्या कर दिया y का वैल्यू निकाल दिया, दैट इज़ 480 डिग्री, ये काम मैंने किया। आई होप एवरी वन इज गेटिंग इट, राइट। सो यू कैन जस्ट, इफ एनी डाउट इफ यू हैव यू कैन आस्क मी, ओके। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है मुझे पूछ सकता है, कम ऑन, यू कैन जस्ट टेल मी इन द चैट बॉक्स, समझ में आ रहा है या नहीं ये तो बताओ, सब लोग मुझे बताना कंपलसरी है कि येस और नो, मतलब ऐसा लिख दो, डाउट और नो डाउट, राइट, फाइन, ओके, यू हैव टू टेल मी सो दैट आई कैन प्रोसीड फर्दर, आगे बढ़ जाऊँ फिर मैं। और एक बात याद रखो, ये इतना इम्पोर्ट, मतलब इतना टफ सम नहीं है, बट इम्पॉर्टेंट तो है, ठीक है, ओके। सो आई होप दिस इज़ क्लियर, राइट। सो वेरी गुड, वेरी गुड, एवरी वन इज़ गेटिंग, वेरी गुड, फाइन फाइन, ओके, नाउ वी विल प्रोसीड फर्दर, हम लोग आगे बढ़ते हैं, वेरी गुड, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर गेटिंग, वेरी गुड, ओके। नाउ वी विल प्रोसीड टू द सेकेंड क्वेश्चन, ओके, now we'll proceed to the second question, okay, so we will be solving the second question, fine, okay, great, so the second question is, I'll just write the second question, and this जो क्वेश्चन हमने अभी किया है, द क्वेश्चन विच वी डिड यू नो जस्ट नाउ, राइट, जो सब लोगों को समझ में आ रहा है, दैट क्वेश्चन कम्स फॉर 2 मार्क्स, नाउ आई एम टेकिंग यू 1 लेवल अबव, अब मैं आप लोगों को 1 लेवल ऊपर लेके जा रहा हूँ, ये 3 मार्क वाला सम दिखा रहा हूँ कैसे आएगा, ठीक है। ये जो अभी किया है वो 2 मार्क वाले सम्स हैं,
अभी मैं एक लेवल ऊपर लेके जा रहा हूँ 3 मार्क वाला, उसके बाद और एक ऊपर लेके जाऊँगा 4 लेवल 4 मार्क वाला। तो नाउ वी विल गो फॉर 3 मार्क्स सम। ओके सो देखना है सब लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ, फाइन ओके। सो एवरीवन कीप योर फोकस ओवर हियर, क्वेश्चन देखना है, ठीक है। आई एम राइटिंग द क्वेश्चन, दैट इज द मेजर ऑफ द एंगल्स, द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो, द मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो, रेशियो दिया है, वॉट इज द रेशियो, 2:3:5। वी हैव टू फाइंड देयर मेजर्स इन रेडियंस। ओके सो क्वेश्चन क्या है, मैं पढ़ता हूँ, ओके आई रीड द क्वेश्चन फॉर यू। द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 2:3:5। वी हैव टू फाइंड देयर मेजर इन रेडियंस। ओके वी हैव टू फाइंड देयर मेजर इन रेडियंस। असली में मैं बताऊँ तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी था, बट थोड़ा सा टफ हो गया, पता कैसे? यहाँ पर बोल दिया है रेडियंस में निकालो, फाइंड देयर मेजर्स तो बहुत ईजी है, मैं निकाल दूंगा, बट रेडियंस में निकालना मतलब एक चीज़ एक्स्ट्रा करना। आई होप सब लोगों को समझ में आ रहा है, आई होप एवरी वन इज गेटिंग दैट द सम वॉज रियली वेरी ईजी, बट यू नो वॉट इज द थिंग वी हैव टू डू, वी हैव टू डू वन मोर स्टेप, एक स्टेप हमको एक्स्ट्रा करना पड़ रहा है। एक स्टेप क्या करना पड़ रहा है हम लोग को, एक्स्ट्रा करना पड़ रहा है। सो बेसिकली वी वॉन्ट टू फाइंड द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 2:3:5, बट वी हैव टू फाइंड द मेजर्स इन रेडियंस। हम लोगों को क्या करना पड़ रहा है रेडियंस में, कोई बात नहीं निकालेंगे, बिल्कुल निकालेंगे, ठीक है। और एक बात याद रखना, ये 3 मार्क वाला सम है, फाइन, इट कैन कम फॉर 3 मार्क्स। अब देखो ध्यान से देखो, द मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो, रेशियो क्या दिया है 2:3:5, ये रेशियो दिया हुआ है हमको, क्या रेशियो है, रेशियो इज 2:3:5। अब ध्यान से देखना है, एक बात हमेशा याद रखना है, एक बात हमेशा याद, पता क्या रखना है, कभी भी कोई रेशियो का सम आता है ना, हमेशा k को बीच में लाना है। क्या करना है, एक कॉमन मल्टीपल को बीच में लेके आना है, हो सकता है वो कॉमन मल्टीपल x हो y हो, बट हम लोग k ले लेते हैं, k कांस्टेंट है, उसको बीच में लाऊंगा मैं अभी, सिर्फ देखना है व्हाट आई विल डू, जस्ट लिसन, आई विल टेल यू, ओके क्या करने वाले हैं, हमें बताता हूँ। असली में सर बताऊँ तो ये सम बहुत ईजी है, ओके वेरी ईजी, फाइन। क्या करना है, वॉट वी हैव टू डू, द मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द रेशियो 2:3:5। तो हम लोग क्या करेंगे, बोल देंगे, लेट, आंसर स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, वी विल से दैट लेट के बी अ कॉमन मल्टीपल। क्या कर देंगे, के को एक कॉमन मल्टीपल बना दूंगा एज अ हेल्पिंग हैंड, हेल्प करेगा हमको के सॉल्व करने के लिए। अब तुम बोलोगे सर के को क्यों ला रहे हो आप कॉमन, क्यों के को हमारा हेल्प क्यों करेगा, क्योंकि रेशियो का समय, याद रखना है जब भी सम में रेशियो दिखता है के को बीच में लाते हैं। तुम बोलोगे सर ये रूल है क्या, रूल तो है बट याद रखना, मतलब बेसिकली हम क्यों करते हैं, क्योंकि के हमारा हेल्प करेगा रेशियो को सॉल्व करने के लिए, बिकॉज मेरे को रेशियो में सम सॉल्व नहीं करना है, राइट, मुझे रेडियंस में आंसर लाना है, बट अगर रेशियो में दिया है तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए के की ज़रूरत पड़ती है। ओके ध्यान रखना, आगे बढ़ते हैं, रेशियो क्या है 2:3:5। तो पता क्या करेंगे, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल कितना है 2:3:5, मतलब पहला वाला 2 है, दूसरा वाला 3 है, तीसरा वाला 5 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ध्यान से देखना, लिखेंगे फर्स्ट एंगल, ऐसे लिख देता हूँ, फर्स्ट एंगल पता क्या लिख देंगे, 2 है ना, सब लोग को दिख रहा है 2 है ना, क्या लिख दूंगा, 2 के जोड़ दूंगा साथ में। याद रखना अगर सिर्फ 2 लिख दिया गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा, के लाना ज़रूरी है कंपल्सरी, क्योंकि 2 अगर पहला एंगल, दूसरा एंगल 3 है, तीसरा 5 है, कभी हो सकता है पहला एंगल 2, दूसरा एंगल 3 5, तीनों को ऐड कर दो, 2+5 2+3 5 5+5 10 10 होता है कभी, सम ऑफ ऑल एंगल्स नहीं, तो याद रखना 2 नहीं, हमेशा 2 के साथ k इज कंपलसरी। नाउ व्हाट इज द सेकेंड एंगल, द क्वेश्चन इज व्हाट इज द सेकेंड एंगल, सेकेंड एंगल क्या होगा, कितना है 3 दिख रहा है ना,
देखो ये मेजर ऑफ एंगल्स राइट, मतलब एंगल्स मतलब फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ट्राइंगल में तीन ही एंगल होते हैं मेरे हिसाब से राइट, आप लोग के हिसाब से भी ये रहेगा हाँ ठीक है। तो तीन एंगल ही होता है। सो फर्स्ट वाले को 2k कर दिया, सेकंड वाले को क्या कर दूंगा 3k, एंड जो थर्ड एंगल था उसको क्या कर दूंगा आई विल मेक इट 5k। व्हाट आई विल डू, आई विल मेक इट 5k। सो बेसिकली फर्स्ट एंगल इज 2k, सेकंड इज 3k एंड द थर्ड वन इज 5k। कॉन्ग्रेट्स, चलो तीनों एंगल का तो हमको पता चल गया। अब दिमाग में एक बात आता है सर, तुम्हारा दिमाग में एक बात आएगा सर के लिखना ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, बिकॉज रेशियो आ रहा है। मेरी बात ध्यान से समझो, लिखना ज़रूरी इसलिए है बिकॉज रेशियो आ रहा है ठीक है। रेशियो डायरेक्टली सॉल्व नहीं होता है, हमेशा के को बीच में लाना पड़ता है, और के की जगह तुम एक्स को भी ला सकते हो, डजंट मीन डेट वी ऑलवेज हैव टू टेक के की जगह कुछ भी ला सकते हो, बट मैं के लाऊंगा बिकॉज इट लुक्स गुड ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं फाइन ओके। अब ध्यान से देखना है व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप। देखो ट्राइंगल, ट्राइंगल की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है ट्राइंगल की। तो ट्राइंगल की अगर बात हो रही है तो एक बहुत फेमस प्रॉपर्टी है ट्राइंगल का। मालूम है क्या प्रॉपर्टी है ट्राइंगल का, मैं बताता हूँ। प्रॉपर्टी ये है कि एंगल, एंगल ए बी सी नहीं करता हूँ मैं, लिख देता हूँ फर्स्ट एंगल, फर्स्ट एंगल प्लस सेकेंड एंगल प्लस थर्ड एंगल इज इक्वल टू पता है कितना आएगा 180 डिग्री। अगर सब लोग टेंथ पास हो आप लोग तो ऑफकोर्स ये तो मालूम होगा राइट, 9th-10th का मैथमेटिक्स है, बहुत ईजी है। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज 180। बट मैंने ए बी सी क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमको ए बी सी यहाँ पर हमने कुछ पकड़ा नहीं ना, ए बी सी को इंट्रोड्यूस ही नहीं किया। सो इसलिए मैंने क्या किया, फर्स्ट एंगल प्लस सेकेंड एंगल प्लस थर्ड एंगल इज इक्वल टू 180 है ना। ट्राइंगल का रूल होता है, याद रखना ये यूनिवर्सल रूल है। अगर किसी स्टूडेंट को ये नहीं पता है ना तो उसको पता होना चाहिए कि फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड अगर तीनों को ऐड कर दूंगा तो 180 आने ही वाला है कंपलसरी। किसके, किस में आएगा, ट्राइंगल के बारे में बात हो रहा है। किसके बारे में, वी आर टॉकिंग अबाउट ट्राइंगल राइट, वी आर टॉकिंग अबाउट ट्राइंगल। तो अगर ट्राइंगल के बारे में बात हो रहा है सो फर्स्ट एंगल सेकेंड एंगल एंड थर्ड एंगल शुड ऑलवेज बी 180 डिग्री, दैट इज द रूल, इंटरनेशनल रूल ओके। अब ध्यान से देखो, फर्स्ट एंगल को मैंने क्या पकड़ा है 2k, लिख दो इधर, प्लस सेकेंड एंगल को क्या लिया मैंने, सेकेंड एंगल इक्वल टू 3k, प्लस थर्ड एंगल को कितना लिया 5k ओके, देन लिख दो इधर इक्वल टू 180 डिग्री एज इट इज। अब बेसिकली हमको निकालना क्या है, दैट इज द पॉइंट, ध्यान रखना हमको k निकालना है, k निकालना। सिर्फ देखते जाओ, सिर्फ देखते जाओ क्या कर रहा हूँ मैं। तो 2k प्लस 3k प्लस 5k तीनों को ऐड कर दो, 2k प्लस 3k कितना होता है 5k, 5k में और 5k ऐड कर दो, टोटल इनको ऐड करने के बाद 10k आंसर होगा इक्वल टू 180 डिग्री एज इट इज़, एज इट इज़। 2 प्लस 5 है ना 5 प्लस 5 10k इक्वल टू 180 आ गया। बट मैं 10k का क्या करूँ, मुझे k चाहिए, सो k एज इट इज़ ये 180 एज इट इज़। ये जो 10 था ना ये मल्टीप्लाई में उधर भेज दूंगा, डिवाइड बाई 10 हो जाएगा, याद रखना मल्टीप्लाई वाली चीज उधर जाके 10 हो जाती है, जैसे प्लस माइनस होता है ना, माइनस प्लस हो जाता है उधर जाके, सिमिलरली मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाता है और डिवाइड मल्टीप्लाई होता है, ये सब मालूम होना चाहिए। सो फाइनली के का वैल्यू हमको सॉल्व करना है 180 डिवाइड बाई 10, आई होप सबको पता रहे 18 आंसर आएगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस, के का वैल्यू मिल गया 18, के का वैल्यू मिल गया बिकॉज 10 ones are 10, 10 180s are 18s are 180, बेसिकली बेसिक कैलकुलेशन में। अब के मिल गया 18, तुम्हारे मन में डाउट आएगा सर के का मैं क्या करूँ, मेरे को तो तीनों एंगल चाहिए थे, के का मैं क्या करूँ। तो इतनी सी इजी बात है, पूरा आंसर के आ गया तो पूरा आंसर ही आ गया, कैसे पता, देखो मैजिक देखो। हमको चाहिए क्या, फाइंड द मेजर्स ऑफ ट्राइंगल राइट, रेडियंस में निकालेंगे वो सब ठीक है, बट क्या निकालना, बेसिकली एंगल के मेजर निकालना, मतलब फर्स्ट एंगल निकालना, सेकेंड निकालना, थर्ड एंगल निकालना। तुम बोलोगे सर ये तीनों निकालना है, के का मैं क्या करूँ, अरे बहुत सिंपल है, के 18 मिल गया ना, ये के को इधर पुट कर दो, इधर भी पुट कर दो एंड इधर भी पुट कर दो। एग्ज़ाम में ये दिखाने का ज़रूरत नहीं, दिस इज़ फॉर एक्सप्लेनेटरी पर्पस, तुमको समझाने के लिए मैं ड्राइंग कर रहा हूँ। सो बेसिकली के इक्वल टू जो 18 मिला है ना मुझे, वो के का वैल्यू 18 इधर 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 पुट कर दो, कॉन्ग्रेट्स, पहला एंगल मिल जाएगा, सेकंड भी मिल जाएगा, थर्ड भी मिल जाएगा। मैं दिखाऊंगा कैसे मिलता है, डोंट वरी, हो गया फिर आंसर आ गया ओके। अब मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखाता हूँ ठीक है। अब ये साइड पे देखो यहाँ पे कैसे सॉल्व कर रहा हूँ ओके। आई जस्ट डिवाइड द पेज
और एक बात, मैं ना नेक्स्ट पेज पे हर पेज पे नया सम करता हूँ, बिकॉज यू नो क्योंकि तुम्हारे सामने पूरा सम रहे, मेरा मतलब है कि जैसे ना पेज टर्न ना करना पड़े बार बार, इसलिए मैं इधर साइड में कर रहा हूँ, राइट। सो आई एम नॉट सेविंग द पेज, व्हाई आई एम डूइंग दिस, बिकॉज आई वांट एवरीथिंग ऑन वन पेज, एवरीथिंग ऑन वन स्टॉप, ठीक है, फाइन, ओके। अब ध्यान से सुनना, लिसन वेरी केयरफुली, मेरे को के जो मिला है ना 18, द के विच आई गॉट दैट इज 18, आई विल यूज दैट के इन फाइंडिंग द एंगल। तो फर्स्ट एंगल क्या था, 2K था, सेकंड क्या था, 3K था, थर्ड था 5K। यहाँ पे तो मैं लिख दूंगा, ध्यान से देखना, फर्स्ट एंगल क्या कर दूंगा, फर्स्ट एंगल लिख दूंगा इज हाउ मच, आई विल राइट फर्स्ट एंगल इज हाउ मच, फर्स्ट एंगल इज कितना था, 2K था, राइट, इज इक्वल टू 2 इंटू के का वैल्यू कितना, 18 है ना, तो ऊपर लिख दो के इक्वल टू 18, मैंने अभी निकाला है 18 डिग्री या 18 लिखा तो भी नो प्रॉब्लम है, सो के की जगह 18 लिख दो, इसको सॉल्व करो, 2 इंटू 18 36। बट याद रखो ये एंगल है, राइट, एंगल है, फर्स्ट एंगल ना, तो एंगल की जब बारे में बात होती है ना तो डिग्री लगाना ज़रूरी है, एंगल है ना, एंगल डिग्री में ही रहता है, कोई नंबर थोड़ी ना 2 इंटू 36 रहेगा, डिग्री रहेगा। कॉन्ग्रेचुलेशन, फर्स्ट एंगल हमको मिल गया, फर्स्ट एंगल मिल गया। अब हम लोग को क्या निकालना है, सेकेंड एंगल निकाल देता हूँ, ध्यान से देखो, नीचे लिखता हूँ सेकेंड एंगल कितना है, खुद देख लो अपने आँखों से सेकेंड एंगल कितना है, 3K। तो यहाँ पर लिख दूंगा 3K, बट 3K का वैल्यू कितना, 18 मिला ऊपर, वो यहाँ पे पुट किया था, यहाँ पे भी पुट कर दूंगा, सो बेसिकली 3 इंटू 18 दैट इज़ 50, कितना होता है 3 इंटू 15, 54 है डिग्री, क्योंकि एंगल के बारे में बात हो, देयरफॉर सेकेंड एंगल इक्वल टू 54 डिग्री। कॉन्ग्रेट्स, सेकेंड एंगल भी मिल गया। अब मैं थर्ड एंगल निकालने वाला हूँ, क्या निकालने वाला हूँ, आई विल फाइंड आउट थर्ड एंगल, ओके। सो व्हाट इज़ द थर्ड एंगल, 5K। तो यहाँ पे लिखता हूँ थर्ड एंगल जो है इक्वल टू 5K है, क्या कर दूंगा, 5 एज इट इज़, K का वैल्यू कितना, 18 है ना, तो फाइनली 5 इंटू 18 इज हाउ मच, 90 डिग्री होता है, देख लेना, ओके। थर्ड एंगल इज, कॉन्ग्रेट्स, वी गॉट ऑल द थ्री एंगल, तीनों मिल गए। अब तुम लोग सोचोगे सर ये हमको तीनों तो मिल गए, आंसर आ गया क्या, नहीं नहीं अभी भी आंसर नहीं आया, अभी भी आंसर नहीं आया, यू नो व्हाई, बिकॉज यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो क्या बोला है, फाइंड द मेजर्स इन रेडियंस, क्या बोला है, फाइंड द मेजर इन रेडियंस, आंसर तो निकालना है बट किस में निकालना है, रेडियंस में, आई रिपीट, देयर मेजर, फाइंड द मेजर मतलब तीनों एंगल तो निकालना है कंपल्सरी, बट इन रेडियंस में निकालना है। तो तुम बोलोगे सर रेडियन में निकालना है, ठीक है, बट हमने किस में निकाला, तुम देख लो डिग्री में आ रहा है, ये भी डिग्री में, ये भी डिग्री में, ये भी डिग्री में, आंसर गलत नहीं है बट इनकम्प्लीट है, बिकॉज वी वॉन्ट टू फाइंड इन रेडियंस, और ये किस में मिला है मेरे को, डिग्री डिग्री डिग्री, डिग्री का मैं क्या करूँ, मुझे तो रेडियन में चाहिए। सो वॉट आई विल डू, आई विल कन्वर्ट दिस इन टू रेडियन, ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, कन्वर्ट करेंगे रेडियन में। और एक बात याद रखना है, डिग्री से रेडियन जाने के लिए पता क्या करना पड़ता है, इसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 360 जो था ना डिग्री, इसको जब पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करूँगा ना, तो पता है जो आंसर मिलेगा ना मेरे को, यहाँ पे देता हूँ मैं, इसको सॉल्व करो ना, 36 इंटू पाई अपॉन 180 को जब मल्टीप्लाई करोगे ना, तो आफ्टर सॉल्विंग, इसको सॉल्व कर लो बेसिकली, तो तुमको पता चलेगा आंसर आ रहा है पाई अपॉन 5। कैसे आ रहा है पता है क्या, पाई एज इट इज़, 36 1 36 36 5 180, क्योंकि 36 इंटू 5 करोगे तो 180 आता है, बेसिकली पाई अपॉन 5 इज द आंसर। अब बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, पाई बाय 5 तो आ गया, बट पाई बाय 5 आ गया, उसके ऊपर क्या कर देंगे, रेडियन लगा देंगे, बस आ गया आंसर, रेडियन लगा देंगे, व्हाट वी डिड, पाई बाय 5 के ऊपर रेडियन लगा देंगे, डन। सिमिलरली सेकेंड वाले एंगल पे आ गया, 54 डिग्री था, इसको भी क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180, व्हाई, बिकॉज वी वांट दी आंसर्स इन रेडियंस, एंगल्स इन रेडियंस, सो व्हाट विल बी दी आंसर, व्हाट विल बी दी आंसर, 54 इंटू पाई अपॉन 180, राइट, सो यू सॉल्व एंड यू गेट दी आंसर, दैट इज 3π/10, क्या आंसर है, इसको सॉल्व करो बेसिकली, 54 इंटू पाई अपॉन 180 को बेसिक कैलकुलेशन है, 3π/10 आ जाएगा, क्या आंसर आएगा, 3π/10 रेडियन। ये कैसे आया 3π/10 मैं नहीं बता रहा, क्योंकि यू नो इट्स, यू नो इट राइट, यू कैन सॉल्व इट ऑन योर ओन, राइट, बेसिक कैलकुलेशन इसके टेबल में हो जाता है, राइट।
अगर मैं बताऊँ बेसिक कैलकुलेशन तो कह सके 18 के टेबल में जाते हैं, 18 टेन्स आ एंड 18 थ्रीज आ, तो बेसिकली 3 अपॉन 10 और ये पाई आ जाती है, और ये रेडियन में आ गया क्योंकि पहले डिग्री में था, इनटू पाई अपॉन 180 किया करोगे तो रेडियन में आ जाए। नाउ व्हाट इज़ द लास्ट स्टेप, लास्ट स्टेप इज़ ये वाले एंगल को भी चेंज करेंगे। कौन सा एंगल है? थर्ड एंगल, दैट इज़ कितना है थर्ड एंगल, 90 डिग्री था ना, इसको भी मल्टीप्लाई कर दो पाई अपॉन 180 से, क्योंकि डिग्री को रेडियन में लाना। तो ये तो बेसिक है, कोई बच्चा भी बता देगा 91 ज़ा 90, 92 ज़ा 180। तो 1 × π इज पाए, ऊपर सिर्फ पाए बच गया राइट, क्योंकि 1 × π इज पाए, नीचे 2 पाए बचा वी गॉट पाए बाई 2। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट वी हैव टू यूज़ द साइन दैट इज रेडियन। कॉन्ग्रेट्स, सम इज़ ओवर। इफ़ यू डू टिल हेयर यू विल गेट फुल मार्क्स। बस एक लास्ट में स्टेटमेंट लिखना ज़रूरी है, देखो लास्ट में एक स्टेटमेंट लिखना ज़रूरी है। वो क्या स्टेटमेंट मैं बताता हूँ, स्टेटमेंट यहाँ पे दिखाता हूँ क्या करेंगे, ध्यान से देखना, स्टेटमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई विल शो यू व्हाट इज़ द स्टेटमेंट, आई विल शो यू। लिख स्टेटमेंट मतलब ANS लिखना, नीचे ANS लिखना है, और लिखना है द एंगल या द मेजर ऑफ एंगल, द मेजर, मेजर नहीं मेजर्स, एस मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, मतलब जो ट्राइंगल है उसके मेजर ऑफ एंगल्स क्या होने वाले हैं पता है, इन रेडियंस। ट्राइंगल मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इन रेडियंस, ये लिखना ज़रूरी है। रेडियंस के अंदर कितना होगा, इज क्या होगा, कितना होगा मैं बताता हूँ, कितना होगा रेडियंस में, कितना हो जाएगा, आई होप सब लोगों को पता राइट। फर्स्ट विल बी पाई अपॉन 5 रेडियन कॉमा 3 पाई बाय 10 रेडियन एंड पाई बाय 2 रेडियन। आई होप देर इज़ नो स्पेस, यू सो यू कैन अंडरस्टैंड राइट। कहाँ से उठाया मैंने, यहाँ से उठाया राइट, पाई अपॉन 5 3 अपॉन पाई बाय 10 एंड पाई बाय 2, बेसिकली इधर से उठा के मैंने लिख दिया राइट। सो आई होप यू आर गेटिंग, सो आई जस्ट कीप दिस सम एज इट इज़ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पज, सो यू कैन हैव अ लुक। अब सब लोग एक बार देखो और कोई डाउट है तो मुझे पूछो ठीक है। ये है सम, ये उसका फर्स्ट स्टेप था। एक बार मैं रफली फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि तुम लोग को पूरा एक बार फिर से आइडिया मिल जाए। ओके ओके, आई एक्सप्लेन वन मोर टाइम फाइन, जस्ट फॉर योर यू नो फॉर कन्फर्मिंग दैट सम ठीक है। एक बार मैं एक्सप्लेन फिर से कर देता हूँ शॉर्ट में, 1 मिनट के अंदर अंदर पूरा सम कर देता हूँ उसमें ठीक। और एक बात मैं बताना चाहूँगा, अगर किसी को लग रहा है एज आई टोल्ड यू राइट कि सर स्लो है थोड़ा, ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग स्पीड बहुत अच्छा है हमारा, पर अगर कोई कोई लोग हैं जो जिनको फास्ट का आदत है तो एक बात याद रखो, मैं कैसे सम कराता हूँ, मेरा स्पीड पे फोकस नहीं होता है, मेरा कंटेंट पे फोकस है। ऐसा पढ़ा दूँ कि सीधा एग्ज़ाम में लिखने की पावर हो जाए तुम्हारी, कोई भी सम हो, मेरा हर सम ऐसा ही रहता है ठीक है। मेरा कोई भी सम तुम देखोगे ऐसा एक बार तुम्हारे दिमाग में डाल दूँगा कि सीधा एग्ज़ाम के पहले एक बार रिविज़न करना पड़ेगा, उसके बाद सीधा पेपर में, और अगर मेमोरी शार्प है सबका तो डायरेक्ट एग्ज़ाम में भी लिख सकता ठीक है। तो मेरे परमानेंट काम है मेरा ठीक है, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा रश नहीं करता हूँ मैं फाइन ओके। एक बार रिवाइज कराता हूँ, क्या बोला है, मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल कितना बोला है, दैट इज गिवन विच इज़ आर इन द रेशियो, रेशियो 2:3:5, वी हैव टू फाइंड द मेजर इन रेडियंस। अब रेशियो वर्ड आएगा तो दिमाग में रखना है, मेजर ऑफ एंगल्स मतलब पहला एंगल ये, दूसरा एंगल ये, थर्ड एंगल ये तो ठीक है, बट रेशियो दिया है, एंगल्स का वैल्यू नहीं है वो रेशियो है। सो वेन एवर देर इज रेशियो वी हैव टू इंट्रोड्यूस 1 पर्सन, दैट इज के। सो वी हैव गेट के बी है कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल मतलब सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। सो फर्स्ट एंगल 2 था उसको 2 के बना दो, सेकेंड एंगल को 3 के बना दो, थर्ड एंगल को 5 के बना दो। ये क्यों मैं के से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, बिकॉज ये रेशियो में। नाउ व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप, एक इंटरनेशनल रूल है जो बच्चे को पता है, एवरी वन नो दिस रूल, दैट इज फर्स्ट एंगल प्लस सेकेंड एंगल प्लस थर्ड एंगल भी कंपल्सरी भी 180 डिग्री, दैट इज़ द रूल, दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। सो 2k प्लस 3k प्लस 5k इज 180 आ गया ओके। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, कैलकुलेट करना है बेसिकली, ये फर्स्ट एंगल कहाँ से मिला 2k, 2k मिला, सेकेंड एंगल कहाँ से मिला 3k, थर्ड एंगल कहाँ से मिला 5k, तीनों को ऐड कर दो इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो 2 प्लस 3 प्लस 5 दैट इज 10k इक्वल टू 180 डिग्री। सो फाइनली k का वैल्यू कितना मिलेगा, ये 10 है ना, इसको नीचे ले जाऊँगा मैं, 10 को क्या करूँगा नीचे ले जाऊँगा। तो फाइनली 180 पहले से था, 10 नीचे चला गया, 10 से डिवाइड हो गया 18 आ गया। अब k मिल गया 18, नाउ यू मेड विथ सर k मिल गया आंसर आ गया क्या, नहीं और थोड़ा सा बाकी है। नाउ व्हाट इज़ द नेक्स्ट, क्योंकि क्वेश्चन में k तो नहीं निकालने के लिए बोला राइट,
तो क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, एंगल ऑफ ट्राइंगल नहीं बोला है बट अंडरस्टैंड करो वही निकालना, ठीक है, उन्होंने मैंशन नहीं किया। तो अब क्या करूँगा, के की मदद से मैं एंगल निकालूंगा। तो फर्स्ट एंगल कितना है, 2 के है, सेकंड एंगल 3 के है, थर्ड एंगल 5 के है। तो यहाँ पे नेक्स्ट साइड में मैं लिख दिया है, ऑन वन साइड आई हैव रिटन एवरीथिंग, दैट इज़ यू नो व्हाट इज़ द थिंग विच आई हैव रिटन, दैट इज़ फर्स्ट एंगल इज 2 के, 2 × 18 दैट इज़ 2 × 18 राइट। 18 कहाँ से है अभी बताया, के का वैल्यू 18 मिला है, यहाँ पुट कर दो 36 मिल गया। सेकंड एंगल का 3 के है, के की जगह 18 पुट कर दो 54 डिग्री मिल गया। एंड थर्ड एंगल 5 के का 5 × 18 दैट इज़, आई होप सबको समझ में आया, सबको सबका आंसर डिग्री में आ गया। अब तुम लोग सोचोगे सर डिग्री में आंसर पहले से क्यों, रेडीमेड आंसर डिग्री में क्यों आया, क्योंकि 180 डिवाइड बाई 10 किया ना, 180 डिवाइड बाई 10, सो आंसर डिग्री में आ गया था, बेसिकली के का वैल्यू डिग्री में आया, ठीक है। सो 2 × 18 डिग्री, 36 डिग्री, बेसिकली डिग्री है हर जगह, के का वैल्यू डिग्री में है, यहाँ पर देखो लिखा है मैंने, ओके, सब कुछ डिग्री में आ गया। तो सब लोग को लगता है आंसर आ गया, नहीं, 36, 54, 90 इज़ नॉट द आंसर, बिकॉज दे वॉन्ट मेजर्स इन रेडियंस। सो वॉट वी हैव टू डू, वी हैव टू कन्वर्ट डिग्री इन टू रेडियन। अब तुम्हारे मन में एक डाउट आया, सर अगर यहाँ रेडियन मेंशन नहीं किया होता, ओनली डिग्री बोलते, सिर्फ बोलते इन डिग्री, तो क्या करते, 36, 54 और 90 तक आंसर छोड़ के आ जाते, फुल मार्क्स मिल जाते। बट यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, रेडियन वर्ड यूज़ किया है, मतलब डिग्री एक बार आ गया ना उसके बाद रेडियन में कन्वर्ट करो। कभी कभी पता है क्या होता है, टफ सम को और टफ बनाने के लिए पता है क्या बोल देंगे, फाइंड करो मेजर्स इन रेडियंस एंड डिग्री, मतलब दोनों कर देंगे। समझ में आ रहा है सब लोग को, बेसिकली रेडियन में बोला है तो रेडियन में दे रहे हैं, डिग्री में बोला है जो मांगते दे दो, ठीक है। अभी किस में बोला है, रेडियन में बोला है, तुम बोलो सर डिग्री में अवेलेबल है, हम क्या करें, डिग्री में अवेलेबल डजंट मैटर, उनको क्या चाहिए, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। और थर्ड इसको क्या कर दिया, रेडियन में कन्वर्ट कर दिया, डिग्री को रेडियन में। और मैं 20 बार बता चुका हूँ, पहले के लेक्चर्स देख लो, 2-3 वीडियोस, उसमें पता चलेगा, दैट इज़ रेडियन को, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कैसे करते हैं, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कैसे करते हैं, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, तीनों जगह पाई बाय 180 किया है ताकि मेरे को आंसर मिल सके रेडियन में, और मिल गया 5 पाई बाय 5, 3 पाई बाय 10, एंड थर्ड वन वॉज π/2। और लास्ट में क्या कर दिया, स्टेटमेंट लिख दिया, दिस वॉज द स्टेटमेंट, द मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज हाउ मच, दैट इज 5π/5, 3π/10, π/2 रिस्पेक्टिवली इन रेडियंस। सो आई होप दिस सम इज क्लियर टू एवरी वन हु इज़ वॉचिंग। एनी स्टूडेंट हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट जस्ट टेक्स्ट मी इन टू द चैट बॉक्स, एंड इफ यू आर हैविंग नो डाउट्स जस्ट राइट देयर नो डाउट्स सो दैट आई कैन प्रोसीड फर्दर। इफ़ यू वॉन्ट यू कैन वॉच इट, फर्स्ट वॉच इट, डोंट वरी, फर्स्ट वॉच इट, आराम से देखो, उसके बाद कोई डाउट है तो मुझे पूछो। आई होप ओके फाइन ओके, सो आई कैन सी हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, जस्ट लेट मी चेक इट आउट, ओके फाइन, श्रेयस, प्रतिमन, फाइन, 4 स्टूडेंट्स आर वॉचिंग, वेरी गुड, ऑल ऑफ देम आर क्लियर, नो डाउट, फाइन, ग्रेट, नाउ वी विल प्रोसीड फर्दर, ओके, वेरी गुड, नाउ वी विल प्रोसीड फाइन, ओके देन। नाउ वॉट वी विल डू, दैट इज़ द पॉइंट, जस्ट वेट एंड वॉच, आई टेल यू वॉट वी आर गोइंग टू डू, क्या करने वाले हैं हम लोग, ध्यान से देखना। नेक्स्ट सम करने वाले हैं जिसका लेवल एक थोड़ा सा और ऊपर है, थोड़ा सा और ऊपर लेवल है, ठीक है। बेसिकली ये सम जो अभी करने वाले हैं वो शायद 4 मार्क के लिए भी आ सकता है, 3 के लिए भी आ सकता है, बट 4 के लिए आ सकता है। जो हमने जस्ट अभी किया है ना वो 3 मार्क का सम, फाइन, नाउ आई विल टेक यू लिटिल बिट मोर अबव दैट, अबव दैट, ओके फाइन। सो वॉट इज द क्वेश्चन, आई विल राइट, ओके, और एक बात, जो जो देख रहे हैं वीडियो लेक्चर, जस्ट वहाँ पे मुझे मेंशन करो आर यू एन्जॉइंग और नॉट, वो ज़रूरी है, बोर तो नहीं हो रहा है, ज़बरदस्ती तो नहीं बैठे हो ना, ठीक है, ज़बरदस्ती नहीं बैठे हो ना। और मैं ना अभी थोड़ा बहुत एन्जॉयमेंट भी कराता हूँ मैं लेक्चर्स के बीच में, कॉमेडी भी करता हूँ, सब करता हूँ, बट अभी नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज
यू नो थोड़ा स्टार्टिंग है ना ये, तो इसमें क्योंकि किसी किसी को कॉमेडी यू नो सम वन विल नॉट लाइक और यू नो एंड आई डोंट नो यू राइट. तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, मेरा ट्वेल्थ का बैच देखना आप लोग, मैं ट्वेल्थ में भी सिखाता हूँ जीटा इंस्टीट्यूट में, तो वहाँ पे हमारा इतना बॉन्डिंग बन चुका है ना, तुम्हारे साथ भी मेरा जल्दी बन जाएगा. तो ध्यान रखना, इतना एन्जॉयमेंट होगा तुमको लगेगा नहीं कि मैथ सीख रहे हो, लगेगा कोई बहुत ईजी चीज़ सीख रहे हो, कोई तुम्हारा इंटरेस्टिंग गेम खेल रहे हो. ठीक है, फाइन. और अगर तुमको थोड़ा बोरिंग लग भी रहा होगा ना, ये मेरा वजह से नहीं हो रहा, ये चैप्टर ही वैसा है, एंगल एंड इस मेजरमेंट बहुत बोरिंग चैप्टर है, डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री, ये थोड़ा ज्योमेट्री जैसा चैप्टर है, तो ये है ही बोरिंग राइट. तो ध्यान रखना, फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ पूरा इंटरेस्टिंग बनाने का. तो एक बार चैट में बता दो दैट सबको समझ में आ रहा है, तो दो लोगों को ने बोला है, ठीक है फाइन कूल ओके वेरी गुड. सो श्रेयस एंड भक्ति फाइन यू आर गेटिंग राइट ओके फाइन. अभी तो हम लोग बहुत इन्जॉयमेंट करेंगे आगे, ठीक है डोंट वरी ओके. क्या ये ईजी चीज़ है इसलिए थोड़ा बोर हो रहा है, जब टफ चीज़ आएगा ना तब तुमको और मज़ा आएगा, जैसे ट्रिग्नोमेट्री आएगा ओके. ट्रिग्नोमेट्री का लेवल बहुत हाई फाई है इलेवेंथ में, टेंथ में जो था ना वो बहुत ईजी था, जस्ट ट्रेलर था, अभी पूरा पिक्चर है. ठीक है फाइन, इफ आफ्टर दिस चैप्टर वी विल टेक ट्रिग्नोमेट्री ओके, सो वी विल प्रोसीड फर्दर ओके ओके. अब ध्यान से देखना है जो थर्ड वाला मैं बता रहा हूँ, ठीक है थर्ड वाला नेक्स्ट क्वेश्चन जो करने वाले हैं दैट इज आई रेड द क्वेश्चन. और एक बात बोलता हूँ, जो अभी हमने किया है ना उसका बड़ा भाई है वो, जो अभी हम करने जा रहे हैं ना वो बड़ा भाई है. देखो खुद पता चल जाएगा तुमको. द मेजर्स क्या बोला, द मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ अ, पिछले सम में था ट्राइंगल, इस सम में आ गया क्वाड्रिलेटरल. क्वाड्रिलेटरल पिछले सम में था ट्राइंगल, इस सम में आ गया क्वाड्रिलेटरल. क्या हो गया, क्वाड्रिलेटरल. तो वी वॉन्ट टू फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आ गया. और क्वाड्रिलेटरल मुझे लगता है सब लोग को पता है क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, मैं बताऊंगा फिर से डोंट वरी. इन द रेशियो, ये भी रेशियो का ही सम है. देखो रेशियो के सम इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान रखना, तीन तीन चार चार मार्क के लिए आ जाते हैं कभी कभी. फाइन, सो द मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो. रेशियो दिया है, कितना रेशियो दिया है, 3:4:5:6. ठीक है, एंड फाइंड करना है हमको, फाइंड देयर मेजर्स, वी वांट टू फाइंड देयर मेजर्स इन रेडियंस. ओके, मैं आप समझाता हूँ, क्वेश्चन पढ़ो. देखो अगर तुम लोग को पिछला वाला सम समझ में आ गया ना, जो पहले वाला किया था ऐसा रेशियो वाला, वो समझ में आ गया तो ये तो कुछ भी नहीं है, समझ में आ रहा है. फाइन, सो आई कैन सी 4 स्टूडेंट्स, वेरी गुड, ऑल ऑफ देम हु आर वॉचिंग आर वेरी हैप्पी. फाइन, वेरी गुड, इट इज़ इंटरेस्टिंग ओके, वेरी गुड वेरी गुड. अभी तो मैं बोल रहा हूँ, अभी तो इंटरेस्टिंग और लगने वाला है, सुन देखना. सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है ना, मैं ऐसा बढ़ा दूंगा तुमको कि तुम जाके स्कूल की टीचर को सिखाना, ठीक है, ये मेरा गारंटी है. तुम लोग ट्वेल्थ वाले जो स्टूडेंट्स हैं ना, अगर कोई तुम्हारे दोस्त है तो उनको पूछना. तो वही मैं बोल रहा हूँ कि जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये सब है बहुत बोरिंग है. ये रेशियो वगैरह मतलब ना, ये एलजेब्रा में आ गया, एलजेब्रा नहीं ज्योमेट्री जैसा हो गया, ट्राइंगल क्वाड्रिलेटरल, तो ये थोड़ा बोरिंग चैप्टर है, समझ में आ रहा है. जब ट्रिग्नोमेट्री सीखेंगे आगे आगे जब बढ़ेंगे ना, और जब रेगुलर लेक्चर्स में मिलेंगे ना, जब वायरस हटने के बाद, तुम देखना तुम लोग लिव करोगे मैथमेटिक्स के साथ, और स्कूल में टीचर जितना लेवल हो जाएगा तुम्हारा. ठीक है फाइन, नाउ आई विल प्रोसीड फर्दर. अब ध्यान से देखना, आगे बढ़ते हैं. द मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3:4:5:6. फाइंड द मेजर्स इन रेडियंस, सेम टू सेम पहले वाला क्वेश्चन जैसा, सेम टू सेम, सिर्फ एक ही फ़र्क है. पता क्या फ़र्क है, ट्राइंगल की जगह क्वाड्रिलेटरल हो गया और तीन रेशियो की जगह चार लोग आ गए, बस इतना ही फ़र्क है. फ़र्क तो है ही नहीं कुछ, सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है सब लोग को. तो कुछ नया नहीं है. द मेजर ऑफ द एंगल्स, उसमें भी मेजर ही निकालना था, फाइंड द मेजर इन रेडियंस, रेडियंस में निकालना था, आप सब लोग को याद होगा राइट. बट फ़र्क इतना ही है, वो ट्राइंगल था इसलिए तीन लोग थे, क्वाड्रिलेटरल इसलिए चार लोग. सब लोग को पता होना चाहिए क्वाड्रिलेटरल मतलब चार होता है. क्वाड्रिलेटरल होता क्या, पहली बात क्वाड्रिलेटरल होता क्या है मैं बता दूँ. ट्राइंगल तो सबको पता है राइट, क्वाड्रिलेटरल में बच्चों को थोड़ा डाउट होता है, कोई कोई बोलता है स्क्वायर होता है, कोई कोई होता है बोलता है ट्राइंगल होता है, रेक्टेंगल होता है. मैं बताता हूँ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है. एक बात अपने दिमाग में फिक्स रखना, क्वाड्रिलेटरल मतलब एक ऐसी बॉडी है
जिसके चार साइड होंगे, चार साइड होंगे, चार एंगल होंगे, ठीक है। ये स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, पैरेललोग्राम भी हो सकता है, ऐसा वाला कहता है ना पैरेललोग्राम। बेसिकली चार साइड होने चाहिए, उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल का मतलब ये नहीं बोलना स्क्वायर है, रेक्टेंगल, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ भी हो सकता है जिसके चार साइड हो, कुछ भी हो सकता है जिसके चार साइड हो। सो बेसिकली क्वाड्रिलेटरल को बोले भैया ये क्वाड्रिलेटरल है क्या, इसके भी चार साइड है, देखो एक साइड, सेकंड साइड, ये थोड़ा दिख नहीं रहा क्वाड्रिलेटरल, गलती से बना दिया, देखो थ्री एंड फोर, ये थोड़ा सही तरह नहीं बना, इसको छोड़ दो, यहाँ पे बनाता हूँ मैं, वन टू थ्री फोर, ये क्वाड्रिलेटरल है क्या, हाँ, देखो फर्स्ट साइड ये है, सेकेंड थर्ड फोर्थ, चार साइड है और चार एंगल भी हैं, तो ये भी क्वाड्रिलेटरल हुआ। ये स्क्वायर नहीं होगा बट क्वाड्रिलेटरल है। तो क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या, ऐसा शेप जिसके चार साइड होंगे और चार एंगल होंगे, ठीक है, बहुत सिंपल चीज़ है। तो अगर चार साइड होंगे तो रेशियो भी चार ही पॉइंट के होंगे ना, एक दो तीन चार, फाइन, एंगल भी चार होंगे। सो बेसिकली वही सेम प्रोसीजर है, सिर्फ क्या हो जाएगा, पिछले वाले सब में फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीन लोग थे ना, इसमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ चार आ जाएंगे, बस, बाकी इतना सा भी चेंज नहीं करना। और एक जगह चेंज करना पड़ेगा, पता है क्या, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल कितना था, मैंने बताया था सम ऑफ ऑल एंगल, ट्रायंगल के सम कितना होता है, ये प्लस ये 180 डिग्री होता है ना, क्वाड्रिलेटरल में कितना होता है पता है, 360 डिग्री, बस, सम ऑफ ऑल साइड्स, मतलब इसका प्लस इसका प्लस इसका, तीनों का ऐड कर दोगे तो 180 आएगा ट्रायंगल में, और इस चारों को ऐड कर दोगे तो 360 आएगा। एक बात याद रखना, ये जो रूल बना है ना मैंने नहीं बनाया है, ये जो रूल है ना मैंने नहीं बनाया, तो अगर तुमको लगे सर किसने बनाया, तो ये साइंटिस्ट ने बनाया हुआ और बहुत यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, ठीक है। और याद रखना ये 180 और 360 याद ही करना पड़ेगा, गलती से ये इधर नहीं कर देना, हमेशा याद रखना ट्रायंगल का सम ऑफ साइड, सम ऑफ ऑल एंगल्स कितना होगा, 180, मतलब ए प्लस बी प्लस सी 180 होगा। यहाँ पे क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 360, ये रूल है, इंटरनेशनल रूल है, ओके। अब मैजिक देखो, स्टार्ट कर रहा हूँ, आंसर लिख दूंगा, कितने एंगल होंगे तुम बताओ, नहीं पहले एंगल के पहले देखो रेशियो वर्ड आया, मैंने बताया तुम लोगों को रेशियो मतलब क्या लिखना है, लेट कॉमन मल्टीपल बी एक्स, नहीं के, लेट कॉमन मल्टीपल बी के, तो एक के को ले लो कॉमन मल्टीपल, क्या करेंगे, के को लेना है कॉमन मल्टीपल, क्यों लेना है, पिछले समय बता चुका हूँ, क्योंकि रेशियो वर्ड आ गया ना तो एक कॉमन मल्टीपल के लेना होता है। तो फर्स्ट एंगल कितना हो जाएगा, लेट फर्स्ट एंगल कितना हो जाएगा, फर्स्ट एंगल इक्वल टू कितना हो जाएगा, थ्री है ना, तो थ्री के साथ के लगा दो। सेकेंड एंगल कितना हो जाएगा, सेकेंड एंगल कितना हो जाएगा, फोर है ना, रेशियो उसका कितना है, फोर, तो फोर के हो गया। और याद रखना है पहले वाले को फर्स्ट बोलना है, सेकेंड वाले को सेकेंड बोलना है, थर्ड वाले को थर्ड एंगल, फोर्थ वाले को फोर्थ, ऑर्डर नहीं बदलना, प्लीज़ ऑर्डर नहीं बदलना, ठीक है, फाइन। सो थर्ड एंगल क्या हो जाएगा, फाइव के, एंड फोर्थ एंगल कितना हो जाएगा, सिक्स है ना, सो सिक्स के, चलो हो गया। अब तुम बोलो सर ये तो हो गया, आप क्या करेंगे, के निकालना है हमको, ताकि यहाँ 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 पुट करके एंगल मिल सके। तो के निकालने के लिए एक ही टेक्निक है, क्या टेक्निक है, लिखना है फर्स्ट एंगल प्लस सेकेंड एंगल, सेकेंड एंगल प्लस थर्ड एंगल प्लस फोर्थ एंगल इक्वल टू कितना होगा, इक्वल टू कितना होगा, 360 डिग्री। प्लीज़ नोट, ट्रायंगल होता है तो 180 होता है, चार साइड एक साइड बढ़ गया तो डबल हो जाता है। तुम बोलोगे सर ऐसा कैसा डबल हो गया, ये रूल है, मैंने नहीं बनाया, साइंटिस्ट ने बनाया, उनसे पूछने जाके, ठीक है, रूल मैंने नहीं बनाया, मैं अगर होता तो मैं मैथ्स ही बनाता नहीं, क्योंकि नहीं मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बनाता बिल्कुल बनाता, मैथ्स इज़ इंपॉर्टेंट, बट ध्यान रखना है ये रूल जो है ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड प्लस फोर्थ 360 ही क्यों होगा, ये साइंटिस्ट ने बनाया तो हम लोग को यूज़ करना है, कैसे आया उसका टेंशन लेना नहीं है। सो फर्स्ट एंगल कितना है, 3K, 3K प्लस सेकेंड एंगल कितना है, 4K, थर्ड एंगल कितना है, 5K प्लस फोर्थ एंगल कितना है, 6K, कहाँ से मिला है, रेशियो से मिला, राइट, रेशियो से लिख दिया, के लगा दिया, इक्वल टू कितना है, 360 डिग्री। अब बेसिक कैलकुलेशन, अब तुम लोग सोचोगे सर इतना ईजी समझ आइए, याद रखो इजी है ना, इजी ही है, यही एग्ज़ाम में आएगा, किसी को लग रहा है बहुत इजी चीज़ है, पहला चैप्टर है इसलिए वो टेंशन नहीं देना चाहते तुमको, इसलिए इजी इजी दे रहे हैं, आगे आगे टफ होगा, ओके। तो 3K प्लस 4K कितना हो गया, ऐड कर दो चारों को, 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 12, और उसके 12 प्लस 6 18, 12 प्लस 6 कितना हो गया, 18 हो गया,
सो इनको सबको ऐड करने के बाद 18K मिल गए, इक्वल टू 360 एज इट इज, डिग्री में एज इट इज। के कितना मिल जाएगा, जैसे पिछले में 10 मिला था, इसमें देखते हैं कितना मिलेगा। 360 एज इट इज, ये 8 को नीचे ले आया, 360 पहले से था, 18 को नीचे ले आया। तो फाइनली के का वैल्यू कितना मिल गया, 360/18। बेसिक कैलकुलेशन करके देख लो, 20 आएगा आंसर। 18 1 18, 18 2 20 और है ना, आई होप सबको पता है। 2 और 0 ऐड कर दो, 20 आ गया। सो के का वैल्यू कितना मिल गया, 20। कोई कोई यहाँ पे 20 डिग्री लिखते हैं, बट 20 लिखा तो भी नो प्रॉब्लम, इट्स फाइन, डोंट वरी अबाउट दैट, बिकॉज इट्स अ कॉन्स्टेंट है। 20 लिखो, 20 डिग्री लिखो, बट 20 लिखो तुम, डिग्री छोड़ दो। ओके, अब क्या करेंगे, के मिल गया। तुम बोलोगे सर के मिला है मेरे को, के थोड़ी ना चाहिए मेरे को, तो चारों एंगल चाहिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कैसे मिलेंगे। अरे के मिला ना 20, इसको बोलना दोस्त तू चल इधर चले जा, इधर चले जा, इधर और इधर, चारों जगह अपनी वैल्यू पुट कर दे, क्योंकि तेरे ऊपर डिपेंडेंट है ये लोग। आई होप सबको समझ में आ, है ना, तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट है। फॉर एग्जाम्पल ध्यान से देखो, एक तुमको लाइव एग्जाम्पल देता हूँ, नरेंद्र मोदी का सब लोग स्पीच देखते हो कि नहीं, स्कूल कब खुलेगा, कॉलेज कब खुलेगा, सब लोग देखते हैं, राइट। तो ये के इक्वल 20 समझो नरेंद्र मोदी जी का स्पीच है, राइट, प्राइम मिनिस्टर, राइट, स्पीच ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। और ये है, हम देखो तुम ये 10th के बच्चे, 11th के बच्चे, 12th के बच्चे, ये मास्टर्स वाले जो आगे बड़े बड़े क्लास वाले बच्चे, ये लोग उनके स्पीच का वेट कर रहे हैं। हाँ भाई, उन्होंने बोला और आगे वायरस को, ये अपने लॉकडाउन को आगे बढ़ा दो, तो ये स्पीच तुमको काम आ गया। मतलब बेसिकली ये लोग डिपेंडेंट है, ये जो चारों लोग हैं, ये लोग चारों टाइप के, मतलब 10th 11th 12th और फर्स्ट ईयर, ये लोग क्या बोल रहे हैं, हमको के का वैल्यू आए, नरेंद्र मोदी जी जो बोलते हैं वो वैल्यू हमारे पास आएगा, फिर हम आगे ऑपरेट करेंगे, है ना। तो बेसिकली एनी एग्जांपल ले लो, मतलब डिपेंडेंट है ना। ऐसे थोड़ी ना कल हम जाके कुछ भी करें, लॉकडाउन खोल दिया, स्कूल जाए, नहीं, जब तक ये नहीं बोलेंगे तब तक काम होगा नहीं, जब तक ये नहीं बोलेंगे तब तक काम नहीं होगा। तो जब तक इनका 20 वैल्यू मेरे पास आएगा नहीं, तो मैं ये सॉल्व नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्व कर देता हूँ। देखो यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्टली इधर कर दूँ, डायरेक्टली कर देता हूँ, थोड़ा टाइम बचेगा, ठीक है। क्या करूँगा, 3K है ना, मतलब 3 × K का वैल्यू कितना मिला, 20। यहाँ पे 3 × 20 कितना हो गया, 60 डिग्री होता है कि नहीं, 60 डिग्री। 4K है, क्या हो जाएगा, 4 × K का वैल्यू कितना, 20। चारों फुट के ना, तो K का वैल्यू कितना, 20, 80 डिग्री हो गया। 5K कितना हो गया, 5 × 20, 100 डिग्री हो गया, है ना। अब K का 20 ही है, ये 6 में पुट करो, 6 × 20 हो गया 120 डिग्री। चलो फिर वेरी गुड, यू आर गेटिंग यू नो वैल्यूज, चारों मिल गए, खुश हो जाओ, चारों एंगल मिल गए, है ना, चारों एंगल मिल गए, 60, 80, 100 और 120, चारों मिल गए, आंसर आ गया। तुम्हारा डाउट होगा सर आंसर आ गया क्या, और एक बात बताता हूँ, एग्ज़ाम में ऐसे शॉर्टकट मत करना, ये जो शॉर्टकट किया है ना मैंने, ये मत करना एग्ज़ाम में। पता है कैसे करना, जो पिछला वाले सब में क्या ना, डिटेल में यहाँ पे लिखना है तुम लोग को, डिटेल में कि फर्स्ट एंगल ये है, सेकंड ये है, मैंने शॉर्टकट यूज़ किया, क्योंकि ना स्टूडेंट्स बोर हो जाते हैं कभी कभी इतना बैठ बैठ के, इसलिए शॉर्टकट लगाया, ठीक है। लॉजिक समझो पहले, समझना ज़रूरी है, शॉर्टकट लगा सकते हैं, ठीक है, ओके। अब ध्यान से देखना है सब लोगों ने, आगे ध्यान से देखना है, ये तो मिल गया मेरे को, कांग्रेस, चारों के आंसर आ गए, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, बट एक छोटा प्रॉब्लम है, मेरे को रेडियन में चाहिए। ये किस में है, डिग्री 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 में मिला है, चारों को बस रेडियन में कर दो, आंसर आ गया, ख़त्म कर देता हूँ, लेक्चर एंड कर देता हूँ आज का, ठीक है। बस छोटा सा काम करना है कि डिग्री 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 में मिला है, रेडियन में कन्वर्ट करना है, क्यों, वो बोल रहा है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर बोलता फाइंड द मेजर इन, रेडियन नहीं होता, अगर डिग्री होता तो क्या करते, एंड कर देते, यहीं पे छोड़ देते सब, बट मेरे को क्या करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए तुमको पता है क्या करते, राइट, मैं डिलीट कर देता हूँ, क्या करते हैं, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे भी पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई। शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ मैं, क्योंकि टाइम भी नहीं है, और मतलब तुम लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ ना ऑलरेडी, मैं अभी रिपीट करना अच्छा नहीं है ना, बोर होगा तुमको, फाइन। सो 60 को पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई, सबको मल्टीप्लाई करके देख लो, आई होप सब लोगों को समझ में आ रहा है, ये डिग्री में मिला है, इसको मेरे को रेडियन में कन्वर्ट करना है, क्योंकि क्वेश्चन का डिमांड है। सो बेसिकली व्हाट आई विल बी डूइंग, आई विल बी मल्टीप्लाइंग इट। सो आफ्टर मल्टीप्लाइंग व्हाट आई विल गेट, 60 × π/180 करके देख लो, पता है कितना आएगा आंसर, π/3, बिकॉज 60 × 1 = 60 एंड 63 = 18, सो π/3 आ गया, बट ये डिग्री में था, ये आ गया रेडियन में, ये डिग्री में था, ये रेडियन में आ गया, इक्वल टू। बेसिकली सबको सॉल्व करो, मैं डायरेक्टली आंसर बता देता हूँ कितना है, बेसिक सॉल्व करो एंड यू विल गेट द आंसर। सो सेकंड आंसर विल बी 4π/9 रेडियंस, थर्ड आंसर विल बी 5π/9 रेडियन, एंड फोर्थ आंसर विल बी 2π/3 रेडियंस, ओके। और बेसिकली तुम लोग को कैलकुलेट करना आ जाएगा आंसर, ठीक है।
ओके सो फाइनली वैल्यूज आ गए मेरे पास. मैं बहुत इजी काम कर रहा हूँ, 18 को पाई बाय 180, सबको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. वाई? बिकॉज मुझे रेडियन में चाहिए. एरो भी दिखा दिया तुमको बताने के लिए कि ये पाई अपॉन 180 क्यों हो रहा है, मल्टीप्लाई क्यों हो रहा है. रेडियन में कन्वर्जन करना है, यहाँ पर लिख भी देता हूँ, कन्वर्ट करना है रेडियन को रेडियन में, राइट, इसलिए ये हो रहा है. सो फाइनली लास्ट स्टेटमेंट लिखना बहुत ज़रूरी है जो मैंने बताया है. स्टेटमेंट मतलब आंसर लिखते हैं बेसिकली, और लिखना है एंगल्स आर, एंगल्स इन रेडियंस आर, रेडियन में कितने हैं आर, चार ऑप्शन मतलब चार हो, क्या है, पहला मिला पाई पाई बाय थ्री, सेकंड ये, थर्ड वो, फर्स्ट कॉमा सेकंड कॉमा थ्री कॉमा फोर्थ, लिख देना, ठीक है. सो होप यू ऑल आर गेटिंग एंड होप यू ऑल एंजॉयड द लेक्चर, ठीक है. फाइन, सो सी यू टुमारो, नॉट टुमारो, इन द नेक्स्ट लेक्चर, वेन एवर इट इज़. सो होप यू एंजॉयड. कोई भी डाउट है वीडियो फिर से देखो, उसके बाद भी डाउट है मेरे को चैट में बताओ नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है. ठीक है, होप यू एंजॉय. और ये चार चार तीन तीन मार्क वाले सामने आएंगे एग्जाम में. बाय, टेक केयर.